कंटेनर पर स्पिरिट लदे होने की संभावना है, जो शायद छपरा के लिए निकला था। वहाँ पर चूंकि सख्ती ज़्यादा बरती जा रही है, चेकिंग हो रही है, इस वजह से उसे यहाँ के किसी गोडाउन में डंप करने की बात आ रही थी। सामने थाना में मटियरवा के पास एक कंटेनर अबंडन अवस्था में पाया गया। वहाँ पहुँचने पर उसे खलासी को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ड्राइवर वहाँ पर 7,050 लीटर के आसपास स्पिरिट की बरामदगी हुई है, जिसमें 24 बड़े ड्रम हैं जो 200 लीटर के हैं और 45 गैलन 50 लीटर के स्पिरिट हैं जो प्योर स्पिरिट है और जिसका उपयोग शायद शराब बनाने के लिए किया जाता। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में एक और जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, छपरा में हाहाकार मचा है, सूबे की सियासी माहौल गरमाई हुई है। वहीं दूसरी ओर मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, एक कंटेनर से 7,000 लीटर से अधिक स्प्रिट बरामद किया है। बड़ी खेप शराब की बरामद मोतिहारी पुलिस ने किया है। अरेराज डीएसपी के नेतृत्व में एक कार्रवाई हुई है। मोतिहारी एसपी डॉक्टर कुमार आशीष के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पहाड़पुर थाना क्षेत्र से एक कंटेनर पर लदे 7,000 से अधिक लीटर स्प्रिट की बरामदगी हुई है। तस्वीरें देखिए, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने से जहां लोगों की मौत हो रही है, वहीं दूसरी ओर ये बड़ी कार्रवाई मोतिहारी की पुलिस ने की है। पहाड़पुर में मोतिहारी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार्रवाई की है। वहीं एक खलासी, जो ट्रक का खलासी है, उससे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, स्प्रिट की बड़ी खेप कहां जानी थी। पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ में जुटी हुई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हैरान कर देने वाली है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी, छपरा में जहरीली शराब पीने से लगातार मृतकों की संख्या में इजाफा, इन सब के बीच आखिरकार ये स्प्रिट लदी कंटेनर कैसे आई। मोतिहारी पुलिस की इस कार्रवाई के बाद चर्चा का माहौल भी तेज है, लेकिन इन सब के बीच मोतिहारी एसपी डॉक्टर कुमार आशीष बड़ी सफलता हासिल कर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। कल रात्रि को एक विशेष सूचना मिली थी, जिसमें ये बताया गया था कि एक कंटेनर पर स्पिरिट लदे होने की संभावना है, जो शायद छपरा के लिए निकला था। वहाँ पर चूंकि सख्ती ज़्यादा बरती जा रही है, चेकिंग हो रही है, इस वजह से उसे यहाँ के किसी गोडाउन में डंप करने की बात आ रही थी सामने। इस सूचना पर सभी थानाध्यक्ष, सभी SDPO द्वारा लगातार व्यापक रूप से छापामारी अभियान किया गया, जिसमें अरेराज सब डिवीजन के पहाड़पुर थाना में मटियरवा के पास एक कंटेनर अबंडन अवस्था में पाया गया। वहां पहुंचने पर उसे खलासी को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ड्राइवर वहां पर नहीं था और उसको सुरक्षित थाना परिसर में लाया गया और SOP के हिसाब से फिर उसका ताला आज सुबह तोड़ा गया, तो उसमें 7,050 लीटर के आसपास स्पिरिट की बरामदगी हुई है, जिसमें 24 बड़े ड्रम हैं जो 200 लीटर के हैं और 45 गैलन 50 लीटर के स्पिरिट हैं जो प्योर स्पिरिट है और जिसका उपयोग शायद शराब बनाने के लिए किया जाता। नववर्ष पर इससे कुछ परेशानी हो सकती थी लोगों में, इस तरह की जो है ये सूचना मिली तो उस पर कार्रवाई करते हुए मोतिहारी पुलिस ने उसको सीज किया है, एक को अरेस्ट किया गया है और जो नेटवर्क है उसको खंगाला जा रहा है। सर, ये नए साल पे के उपलक्ष्य पे खपाने की साजिश थी क्या? अभी तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से ये क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर जो है इन लोगों के द्वारा जो है ये कार्रवाई की जानी थी, जिसको मोतिहारी पुलिस ने समय रहते ही डिटेक्ट किया है और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक और जहरीली शराब कांड, दूसरी ओर मोतिहारी पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई, 7,000 लीटर से अधिक स्प्रिट की बरामदगी मोतिहारी पुलिस ने की है। देखिए, मोतिहारी के SP डॉक्टर कुमार आशीष के निर्देश पर एक कार्रवाई हुई है और कुमार आशीष के निर्देश पर लगातार अलग अलग जगहों पर शराब माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और दूसरी ओर जो देसी शराब का निर्माण होता है उससे भी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि खत्म करने की कोशिश अब मोतिहारी पुलिस कर रही है और यही वजह है कि ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारी मोतिहारी में जारी है। 7,000 से अधिक लीटर ये स्प्रिट एक कंटेनर से बरामद की गई है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।